अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमारा YT एजुकेशन का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जहां पे आप लोगों को आपकी परीक्षाओं से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाते हैं। यही नहीं, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार SSC CGL और बिहार सिविल कोड की वैकेंसी आई हुई है, साथ ही साथ बिहार में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो आप इन तीनों के लिए जो है प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं हमारे YT एजुकेशन की एप्लीकेशन से। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होंगे कि क्या हमें यहाँ वीडियोज भी मिलेंगे। नहीं, वीडियोज के लिए आपको फ्री में हम आपको YT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे वीडियोज देंगे। अगर आपको यहाँ पे टेस्ट ज्वाइन करना है, इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को भी दिया है हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए, और बिहार सिविल कोड की जो वैकेंसी आई है एकदम बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे सिलेबस वाला जो सेट क्वेश्चन होता है ना, वही सेट तैयार करके यहाँ पे दिया गया है टेस्ट के फॉर्मेट में। यहाँ पे 20 सेट आपको ये अपडेट किए गए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं और यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, नई वैकेंसी का नया अपडेट है और ये है आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की वैकेंसी। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, मटेरियल असिस्टेंट का ये पद है जिसके लिए कुल 419 पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है। आपको बता दें कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमाज हैं, है ना, तो अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, ये सब जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ सैलरी बहुत अच्छी है, तो सैलरी के बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं उन प्रश्न उन सभी तथ्यों पे जो कि यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अपडेट की गई है। तो ये है दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की ये ऑफिशियल जो है वेबसाइट है, जहां से आप जाके सारी जानकारी ले भी सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहां पे अपना अकाउंट खुद का क्रिएट करेंगे और इसके फॉर्म को भी आप यहां से भर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, यहां से आप खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट से। फिलहाल मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ। ये डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसके लिए आपको यहाँ पे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ से अपटूडेट की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए आप आवेदन जो है कर सकते हैं, जी हाँ, 23 अक्टूबर से लेकर जी हाँ 12 नवंबर तक के डेट को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 12 नवंबर है। यहाँ पे कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है किसी भी कैटेगरी के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई फीस यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम डेट जो है आपको शेड्यूल किया जाएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन 12 नवंबर से पहले जो है आप इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो ये फॉर्म कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, तो जिनका यहाँ पे 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे एज रिलेशन भी मिलेगा, चूंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है ना, स्टेट वाइज कह लीजिए या फिर आप इसको जोन वाइज कह लीजिए, तो यहाँ पे ये स्टेट वाइज वैकेंसी है दोस्तों जो कि निकाली गई है। 18 से 27 साल तक के साथ छात्र जो है, ये युवा छात्र हैं, वो इसको आवेदन करेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के लिए, जहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2022 के लिए। अब ये कुल 419 पदों की टोटल वैकेंसी है। बैचलर डिग्री आपको है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस फॉर्म को आप बिल्कुल आवेदन कीजिएगा, लेकिन आपका बोर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, मैंने आपको बोला ना कि डिप्लोमा वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पे डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट किया है उनको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा पहले, तो ये भी अगर आपने किया है तो आप आवेदन कीजिए। लेकिन 419 पदों के लिए टोटल वैकेंसी के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये फॉर्म आपको भरना है, यहाँ से आप अपना सारा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके क्लिक करके जो है यहाँ पे सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अब जो है स्टेट वाइज, देखिए मैंने आपको बोला ना कि स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो ये जो सेंट्रल रीजन है यानी कि सेंट्रल वेस्ट रीजन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, जहाँ पे 185 पदों की टोटल वैकेंसी है। वेस्टर्न रीजन की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए 120 पदों की वैकेंसी है। वहीं साउथ वेस्ट रीजन में राजस्थान और गुजरात के लिए वैकेंसी है 23 पदों के लिए।
सेंट्रल ईस्ट रीजन की बात करें, जहाँ पे झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के छात्र 26 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। और साउदर्न रीजन में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में 32 सीट है यहाँ पे। और नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 23 सीट अपडेट की गई है। ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर में यहाँ पे कुल टोटल जो है 10 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे 419 पदों की टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है मित्रों, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे छात्र पूछेंगे कि क्या मैं बिहार से हूँ, इन सभी के लिए आवेदन कर सकते हो। आप कहीं भी किसी भी स्टेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, चूंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए आप किसी भी स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से हैं या फिर आप तमिलनाडु से हैं या गुजरात से हैं या वेस्ट बंगाल से हैं, है ना, किसी भी रीजन में आप आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अपडेट की गई है। ये अपॉइंटमेंट है दोस्तों सिविलियंस के लिए, यानी कि जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पोस्ट निकाली गई है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आर्मी में ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं लोग उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा बिल्कुल, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट फॉर द सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट डिपोर्ट के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये एडवर्टीजमेंट संख्या या आपको याद रखना होगा या फिर नोट करके रखना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल जो है, जो कि ऑफिशियली यहाँ पे अपडेट की गई है। जैसे कि ये पोस्ट का नाम है मटेरियल असिस्टेंट का पोस्ट है। पूरा अगर वैकेंसी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 171 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 42 है, ओबीसी के 113 है। यही अगर आप एससी एसटी की बात कर ले और टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 419 पदों की टोटल वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है। सैलरी पे आते हैं, एज हो गया, एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया। सैलरी पे आते हैं, सैलरी यहाँ पे 29,200 की है। प्लस में आपको जो भी इंडियन गवर्नमेंट का अलाउवेंस दिया जाता है किसी भी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इसके लिए जो भी आपका अलाउवेंस मिलेगा वो मान के चलिएगा कि 10 से 12 हज़ार का इंक्रीमेंट और यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 30 से लेकर 35 हज़ार तक की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकती है मित्रों। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करने योग्य हैं आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण की बातें की गई है, इसको आप लोग एक बार रीचेक कीजिएगा। ये मैंने आपको जोन वाइज वैकेंसी बता दी है अभी ऊपर कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एक इंडियन यानी कि होना जरूरी है, साथ में आप नेपाली हैं या भूटान से संबंधित हैं और 1 जनवरी 1962 से आप भारत से जुड़े हुए हैं तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। और एज लिमिट की बात की गई है यहाँ पे 18 से 27 साल तक के लिए, और इसमें रिलेशन भी दिया जाएगा उनको जो कि इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं जो कि कैटेगरी में आते हैं। तो ग्रेजुएट हैं आप किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आप डिप्लोमा है किसी भी डिसिप्लिन में, या डिप्लोमा किए हैं मटेरियल मैनेजमेंट में, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। 419 पदों की टोटल वैकेंसी है जो कि यहाँ से अप टू डेट की गई है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका डिग्री होगा ये यूजीसी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये जो है दोस्तों आपको रेगुलेशन 2017 के जो नियमावली के अनुसार जो है आपका डिग्री होना चाहिए। यूजीसी मतलब जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ना, यूजीसी रिकॉग्नाइज होती है, जैसे कि बीटेक वगैरह की डिग्री एआईसीटीई अप्रूवल होती है। देखिए तो यहाँ पे आप छात्र आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बीटेक कर रखा है ना, या बीटेक डिग्री है, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने इग्नू से कर रखा है, तो उन छात्रों को बताया जा रहा है कि हु वेयर इनरोल विद द एकेडमिक ईयर 2019 शैल बी ट्रीटेड एज द वैलिड वेयर एवर द अप्लीकेबल। यहाँ पे आप लोग को वैलिड तभी माना जाएगा जो कि 2019-10 से पास आउट हैं, ठीक है, जो छात्र बीटेक कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रखे हैं। तो इसका एक अलग क्राइटेरिया दे दिया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो है डिग्री एआईसीटीई अप्रूवल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, एआईसीटीई अप्रूवल होना चाहिए अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा यहाँ से कर रखा है तो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एज रिलेशन वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। तो देखिए एग्जाम 1 की पहले बात कर लेते हैं, इसका जो आपका एग्जाम प्रोसेस है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए डिटेल ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस स्किल टेस्ट के जरिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आपका स्टेज 2 में जाके जो होगा रिटन टेस्ट होगा, यानी कि स्टेज 1 आपको क्वालिफाइंग है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये सिलेबस जो है इस टेस्ट का लेकर आपको क्या किया गया है,
तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन 50 रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन 25 होंगे और ये 25 मार्क्स से होंगे। जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित होंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। वो 2 घंटे का ये टोटल पेपर होगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो कि पीएच कोटे से छात्र यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन होंगे और ये 150 मार्क्स का पेपर होगा। द पेपर विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे, और आपको जो है आंसर जो है ओएमआर बेस पे देना होगा, यानी कि एग्जाम जो है आपका ओएमआर यानी कि ऑफलाइन मोड पे होगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, जो यहाँ पे आपका मार्क्स है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 0.25 यानी कि 1/4 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस की बात करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं रीजनिंग का क्या क्या टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ से जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिएगा, है ना, नॉन वर्बल टाइप में अगर देखें तो एनालिसिस सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, और जजमेंट वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज दे दिया जाता है। नॉन वर्बल अगर सीरीज की बात करें तो टेस्ट विल बी ऑल्सो क्वेश्चन डिजाइन टू द टेस्ट कैंडिडेट एबिलिटी टू द डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड द सिंबल ऑफ देयर रिलेशनशिप। अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शनलिटीज, तो यहाँ से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग वाले। वहीं पे मैथ्स की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिकल क्वेश्चन रहते हैं आपके, और नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्रैक्शनल नंबर, रिलेशनशिप नंबर, है ना, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन यहाँ से होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के, रेशियो टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के होंगे क्वेश्चन, टेबल वाले, ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे ये सारे क्वेश्चन। जीके की बात कर ले यानी कि जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन करंट इवेंट से होगा यानी कि करंट अफेयर से होगा, और आपके क्वेश्चन आपके पड़ोसी मुल्क से संबंधित होंगे, और वो जहाँ पे ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल सेंस को लेकर यहाँ पे रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो यहाँ पे अपडेट किया गया है, तो इसको भी आप लोग रीचेक कीजिएगा। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित प्रश्न होंगे, सेंटेंसेस होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन होंगे, फ्रेजेस वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, यहाँ पे अगर वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे, और अलोम विलोम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, सिनोनिम एंटोनिम्स, वो क्वेश्चन होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से, ये आपका सिलेबस है, इसको पढ़ के बिल्कुल आप लोग पास हो सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों चेक कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम का प्रोसेस था, मतलब एग्जाम आपका लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे पास नहीं करते हैं उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सीधी बात है। यहाँ पे 40% जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना होगा पूरे एग्जाम का, ठीक है, 150 क्वेश्चन का। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ से आपके इस प्रोसेस को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे बात होगी कि क्या यहाँ पे फिजिकल आपका टेस्ट भी होगा, तो बिल्कुल, देखिए आर्मी का जॉब है तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी आपका होना है, और इसके लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मैं आपको दिखला दूँ, ये देखिएगा, हेल्थ को लेकर, पोस्टिंग को लेकर भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए ये जो है आपका अपडेट किया गया यहाँ पे, है ना, डिटेल ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस, है ना, ये आपको फिजिकली फिट होना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाई है सिर्फ यहाँ पे, है ना, ये क्वालिफाई है मेरिटल मटेरियल आपका असिस्टेंट का ये पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग सेंटर चूज कर लीजिएगा, और फॉर्म भरते समय आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, और इसका जो है PDF आपको अपलोड करना है यहाँ पे, आपका ID प्रूफ लगेगा, कोई भी वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, और फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज लगेगा, और 3 महीने पहले कहीं खींचा होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले ये सारी डिटेल आप लोग रखिएगा अपने पास कैलकुलेट करके, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको वो सारी डिटेल तो बता दी है, अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं इस एग्जाम को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको वो सारी जानकारी अप टू डेट की जाएगी, ठीक है। और ये आपको ग्रुप सी के तहत पोस्ट अपडेट किया गया है दोस्तों, जहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं छात्र, लगभग 30,000 से 35,000 की सैलरी आपकी अपडेट की गई है यहाँ पे। तो हु हैज सर्व इन एनी रैंक वेदर द कम्बैंड द नॉन कम्बैंड इन द रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन, तो
आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, देखिएगा एक सर्विसमैन में भी जो छात्र इधर से आवेदन करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और ये हमने जो मोटा मोटी जो यहाँ पे आपका सारा डिटेल है संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको अपडेट कर दिया है। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट है यहाँ से तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।